पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ कहा जाने वाला मेरठ एक बार फिर से सुर्खियों में, जहां पर लगातार अपराध के ग्राफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में एक नई रिपोर्ट सामने आई है कि एक बैंक मैनेजर और उसके 5 साल के बच्चे को घर में ही मार दिया गया, और बैंक मैनेजर जब बैंक घर पहुंचता है तो उसके पास मिलता है कि उसके बच्चे और बीवी दोनों 8 बजे एक व्यक्ति के द्वारा मरे पड़े। थाने पर सूचना दी गई कि उसके जो पत्नी है और उसका जो बच्चे हैं वो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनके घर में ताला लगा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी जो पत्नी है और बच्चे हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया गया। एक दो घंटे में जब बच्चे और पत्नी का पता नहीं चला तो उपरोक्त जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा स्वयं अन्य लोगों की मौजूदगी में अपने घर का ताला तोड़ा गया और अंदर जाकर देखा गया तो अंदर कमरे में उनकी जो पत्नी है और जो बच्चा है वो वहाँ पर मृत पाए गए। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा था कि संभवतः गला घोटकर इसमें हत्या की बात प्रतीत हो रही थी और जो व्यक्ति हैं उनकी शादी को 7 वर्ष हो चुके हैं और जो मायके हैं मायके वालों को भी सूचित इसमें कर दिया गया था और वो भी जल्द ही पहुँचने वाले हैं और घर वालों के द्वारा इसमें कुछ लोगों के ऊपर शक व्यक्त किया गया है और उसके आधार पर पुलिस की अभी छानबीन चल रही है और अभी वार्ता करके तहरीर प्राप्त की जा रही है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ जो दोनों का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मृत्यु का जो कारण है, स्पष्ट कारण है, वो पता चल सके और इस पूरे प्रकरण में सभी पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है जिससे कि जो हत्या के जो कारण है उसका पता चल सके और जो अभियुक्त हैं उसको गिरफ्तार किया जा सके।